ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 27 दिसंबर 2021। मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पर हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। भारत में 3 जनवरी से शुरू होगा 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण। स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइनर्स को भी मिलेगा कोरोना की वैक्सीन का बूस्टर डोज। दिल्ली में डेंगू के मामले 2021 में सर्वाधिक दर्ज। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और चुनाव आयोग की आज बैठक। सलमान खान को डसा जहरीले सांप ने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि भारत में 15 से 18 साल के बच्चों को अब कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों में कोरोना को लेकर होने वाली चिंताओं में कमी आएगी। प्रधानमंत्री ने फ्रंटलाइनर्स और हेल्थ केयर सेक्टर के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन बूस्टर डोज दिलाने की घोषणा की है। कोरोना और इसके वेरियंट्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से ये अपील की है कि सतर्क रहना है किंतु आतंकित न हो। दिल्ली में इस वर्ष डेंगू से 23 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े पिछले 6 साल की तुलना में सबसे अधिक हैं। 2021 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में डेंगू के कुल 9,545 मामले दर्ज किए गए थे। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी के सदस्यों की जीत को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। वहीं आपके नेता राघव चड्ढा ने बयान दिया है कि चंडीगढ़ सिर्फ ट्रेलर है, पंजाब फिल्म बाकी है। बता दें कि चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में आम आदमी पार्टी के 6 सदस्यों ने जीत हासिल की है। दिल्ली में आज लागू हुआ नाइट कर्फ्यू। रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सब कुछ रहेगा बंद। सड़कों पर निकलने की होगी मनाही। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी में कोरोना के 290 मामले और 1 मौत होने का आंकड़ा प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही बता दें कि देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 422 हो चुके हैं। पटना में बीजेपी कार्यालय के सामने वार्ड सचिवों ने किया हंगामा। वार्ड सचिवों ने सरकार की ओर से अपनी नियुक्ति रद्द हो जाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस की ओर से लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे गए। वार्ड सचिवों की ओर से भी पत्थरबाजी की गई। इस दौरान बीजेपी ऑफिस कार्यालय के बाहर सड़क पर देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। 2022 में देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विश्व में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले देखकर चुनाव कब रखे जाएं ये फैसला होना है। इसी संदर्भ में आज दिल्ली में चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरियंट पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। विश्व स्तर की रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन घातक नहीं लेकिन तेजी से फैलता है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव वाले राज्यों में अभी स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य सचिव की दी गई जानकारी को देखते हुए चुनाव आयुक्त ने कहा कि 5 राज्यों की कोरोना रिपोर्ट सहित 5 जनवरी को चुनाव आयोग बैठक करेगा और 5 राज्यों के चुनाव की तिथि पर फैसला करेगा। अभिनेता सलमान खान को कल बीती रात सांप ने डस लिया था। अस्पताल में इलाज के बाद आज उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। सलमान ने बताया कि अपने पनवेल फार्म हाउस में घुस आए एक जहरीले सांप को वे डंडे की सहायता से बाहर कर रहे थे कि सांप ने उन्हें 3 बार डस लिया। उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और अब वे खतरे से बाहर हैं। आज बस इतना ही। सुनते रहिए जानो जंक्शन पर न्यूज़ रेल।